गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया। सिविल लाइन्स स्थित नेपाल क्लब में आयोजित मंथन कार्यक्रम में रविवार को वक्ताओं ने साहित्य और पूर्वांचल के विकास पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि पूर्वांचल में विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिस पर उद्योगपतियों को आगे बढ़कर कार्य करने की जरूरत है, जिससे पूर्वांचल का पिछड़ापन दूर किया जा सके। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आरपी शाही, संत कबीर नगर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एसके अग्रवाल, उद्योगपति विष्णु अजीत सरिया, सलाहकार पंकज जायसवाल, उत्कर्ष सिन्हा, प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, महामंत्री मनोज यादव, संजय कुमार सहित कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी, साहित्यकार व पत्रकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रेस क्लब के महामंत्री मनोज यादव ने कहा, क्षेत्र है कि हम किसी एक भाषा में इसको बांध के नहीं देख सकते हैं। साहित्य को इस तरह से आप अगर देखें तो जो भी समाज है वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां का साहित्य वो जुड़ा हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। जो भाषा बोलते हैं वो उनकी का साहित्य होता है। जहां तक पत्रकारिता की बात है, पत्रकारिता हमेशा हर भाषा में की गई है और पत्रकारिता किसी एक भाषा की उपज नहीं है कि वो भाषा है तो उसकी कोई अलग से पत्रकारिता होगी कि इंग्लिश जर्नलिज्म कुछ और होगा, हिंदी जर्नलिज्म कुछ और होगा, उर्दू जर्नलिज्म कुछ और होगा, तमिल कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे भाषाओं का जर्नलिज्म का उद्देश्य जो होता है वो एक ही होता है, वो किसी भी एक्सप्रेशन उसका किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भाषा में हो, लेकिन उसका जो विषय वस्तु होगी, उसकी जो प्रामाणिकता होगी वो सबकी एक ही है कि हम लोगों को सही बातें कैसे पहुंचाएं, हम उनको सूचना कैसे दें, हम एक निर्बल जो की आवाज कैसे बने। पत्रकारिता केवल ये नहीं है कि हम किसी की प्रशंसा लिखें या किसी के बारे में लिखें, बल्कि ये है कि हमको उसके आवाज बननी है ऐसे समाज की, ऐसे लोगों की जो खुद नहीं बोल पाते हैं, खुद नहीं कह पाते हैं। अगर वो काम हम करते हैं तो असली पत्रकारिता करते हैं। और ऐसी चीजें को हम खोजें जो कि चीजें लोगों को नहीं पता है, नहीं जान है, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, हम खोज करें, नई चीजें लाएं जर्नलिज्म में और उस चीज को हम जनता को सुलभ कराएं सस्ते शब्दों में, जो जिसको समझ सके वो। हम सरकार का दो चीजें मुख्य रूप से जो लोकतांत्रिक देश है उसके लिए आवश्यक है, एक तो स्वतंत्र जुडिशरी और एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो लोकतंत्र जो है वो पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता है। तो ये हम अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें जिससे लोगों को विश्वास हो। जिस दिन इन दोनों पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा, जुडिशरी से और जर्नलिज्म से, उस दिन समाज में विद्रोह हो जाएगा, समाज में क्रांति हो जाएगी और हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जर्नलिज्म की कि हम वो कैसे उस चीज को अपना सुरक्षित रख सकें और हम निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। मैंने जैसा पहले कहा, ये मेरा विषय नहीं था और हमको इस तरह से ज़्यादा हम इसके साथ अपना न्याय नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। त्रिपाठी जी और उनकी इंटायर टीम को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि और अब मैं अनुरोध करता हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष
साहित्य विधा में अधिक मैं अग्रज उत्कर्ष सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूँ इस सत्र के संचालन के लिए। मंथन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा किसी भी तरह से बन जाना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और इसीलिए जब तकरीबन तो उस दिन से इस कार्यक्रम को लेकर मेरी बहुत जिज्ञासा भी थी, बहुत एक उत्साह भी था, और इसीलिए पैदा करेगा इस शहर के सोचने के एक संभावनाओं को लेकर के भविष्य को लेकर के। ये सत्र जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं, आर्थिक विकास की बात करेंगे यहाँ पर हम, पूर्वांचल के अर्थोदय, बहुत अच्छा शब्द है ये कि अर्थोदय की बात करेंगे कि इकोनॉमिक फोरम के ऊपर इकोनॉमिक्स का एक कि पूर्वांचल के जो 27 जिले हैं उसमें पिछले साल 105 जिंदगियां हमने गुम की या उसके आघात पहुंचा स्नेक बाइट से, और इक्वल नंबर जो है लाइटनिंग से, इक्वल नंबर 105 एक साल के अंदर। और जो फ्लड जो है खाली 98 की बात ना करें हम, राप्ती और यहाँ की जो नदियां हैं वो इस जमीन को उपजाऊ जरूर बनाती हैं, लेकिन साथ साथ हर साल मानसून के पीरियड में जल जमाव और वाटर का जो एक्सपेंशन है, वाटर का जो इलाका जो कवर हो जाता है उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं और जिससे इंटरनली डिस्प्लेस लोग हो जाते हैं। उसके संबंध में यही कहना है कि जो जो हमने जो पुराने जो संबंधित चीजें थी उसको हमने नजरअंदाज कर दिया है, और अगर हम उनको अपने उसमें दोबारा हम लेके आएंगे और जहाँ जहाँ पे ये समस्या आ रही है उसको, आजकल हमारे पास सेटेलाइट है, हमको पता है कि किस वजह से जो पानी का जमाव है हो रहा है यहाँ राप्ती और दूसरी नदी जो है, उसके साथ साथ क्या होता है कि एक नदी पानी लेके आती है उसके आगे उसका ग्रेडियंट बढ़ जा रहा है राप्ती का, और पूरा पानी दूसरी नदी में चला जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा जो है खाली एक लूप बनाना है, वो अभी हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है इसरो के साथ मिलकर के, और वो उसकी प्लानिंग जो है हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि जो जल जमाव की जो समस्या है गोरखपुर परसे में वो उसको हम ठीक कर पाएंगे आगे भविष्य के अंदर। इसके साथ साथ मैं दो चार चीज़ें और कहना चाहूँगा, क्योंकि वो है मैं बेलिया का रहने वाला हूँ, हमारे पहले जो स्पीकर थे वो लोग बन चुके हैं, शुगर बाउल था ये पूरा पूर्वांचल में, स्पेशली गोरखपुर बेलगिया बस्ती आजमगढ़, आप 20 किलोमीटर चले जाइए एक शुगर फैक्ट्री होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुगर फैक्ट्री को आप इंडस्ट्री ही मत देखिए, वो क्या करता था कि गन्ना यहाँ पैदा होता था, देवरिया जिले में सिर्फ 14 शुगर फैक्ट्री थी, अब आप जिला समझ लीजिए कितना बड़ा होता है, हाँ तब कुशीनगर जरूर देवरिया का था, लेकिन 14 शुगर फैक्ट्री, मतलब आप अगर पत्थर देगा तो शायद एक दूसरे शुगर फैक्ट्री दूसरे में जाके गिरेगा, फायदा क्या था उसका, एक तरह से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी जिसमें लोग 6 महीना जब काम मिलता था, लोगों को 6 महीना काम मिलता था, अपने घर से जाते थे घर वापस आते थे, खेती का भी काम करते थे, तो एक तरह से मल्टीपल एवेन्यूज ओपन थे उनको अपने मेहनत के पैसा कमाने के लिए, खेती भी थी घर पे ही रहते थे, खर्चा कम था और नौकरी मिलती भी 6 महीना टेम्प्रेरी स्टाफ था, और साल भर में जो परमानेंट स्टाफ होता है शुगर फैक्ट्री में वो भी था। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी चीजें थी आज से 20-25-30-40 साल पहले तो पूर्वांचल अग्रणी रहा होगा, उस पर कोई दोहराए नहीं। तो अगर हमारे पास वो मॉडल अवेलेबल है, हमारे दो सांसद भी यहाँ मौजूद है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और इंडस्ट्रीज ने भी रिकमेंड किया है कि एग्रोबेस इंडस्ट्री हमारे रीजन में सब तरह से फसल होती है, चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो चाहे गन्ना हो गेहूं हो चावल हो, किसी चीज की कमी नहीं है, वैरायटी है हमारे पास। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम एग्रोबेस इंडस्ट्री अभी तक उतने रफ्तार से नहीं लगा पाए हैं जितना हमको चाहिए। तो सबसे पहले मैं सांसद जी लोगों से ही आग्रह करूँगा
कि कहीं ना कहीं जो कठिनाइयां आ रही है इंडस्ट्री लगाने के अंदर, स्पेशली बैंकिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ जो लैंड, दो चीजें बताई गई, तीसरी थी हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, इनको ऊपर ध्यान देकर के अगर हम चलेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार अपना इंडस्ट्री लगा करके दूसरे लोगों को भी नौकरी दे पाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम पूर्वांचल का आर्थिक विकास चाहते हैं तो हमको जो एग्रीकल्चर से संबंधित लोग हैं उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और इसी की दिशा में जो तीनों कानून बने उससे फायदा तो है ही है। जो अभी जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी ने भी इसके ऊपर बात किया है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। और उसमें स्मॉल होल्डिंग्स और मार्जिनल होल्डिंग्स वाले जो फार्मर्स हैं उनको ये एडवांटेज है कि उनकी जमीन कहीं गिर भी नहीं जाएगी। अगर हम कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग जो पहले करते थे, एक बिना कहे हुए लोग एक दूसरे के लिए खेत जोतते ही थे, आज वो चीज नजर आ रहा था। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वावधान में दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज दूसरे दिन के प्रथम सत्र में साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्र मौजूद थे, उनके साथ साथ विशेष अतिथि भी शामिल हुए। दूसरे सत्र में पूर्वांचल के विकास को लेकर के जनप्रतिनिधियों उद्योगपतियों के बीच एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि पूर्वांचल का विकास कितना हुआ है और अभी क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको किस तरह से उसका समाधान निकाला जाए, इसको लेकर भी जो है विस्तृत चर्चा हुई है। और उम्मीद है कि इसमें बेहतर जो है अवसर उत्पन्न होगा पूर्वांचल के लोगों के लिए रोजगार के क्षेत्र में, और जनता उद्योग नए लगाए जाएंगे, साथ साथ जनप्रतिनिधि और उद्योगपतियों को ये चर्चा काफ़ी सार्थक रहेगी। क्या मकसद रहा इस तरह का बंधन कार्यक्रम आयोजित करने का प्रेस क्लब का? गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का सरकार हमेशा जो सामाजिक कार्यों के साथ रहा है, हमेशा जो है सामाजिक कार्यों में चढ़ कर हिस्सा लिया है। अगर मीडिया समाज को कुछ दे सकती है तो इससे बेहतर कुछ हो सकता है। हमारा जो पत्रकारी दायित्व है उसके साथ साथ हम जो है समाज को कुछ अलग से देने का उद्देश्य था हम लोगों का, कि जो समाज को ऐसी चीज़ दिया जाए जिससे पूर्वांचल के विकास को बल मिले।